मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने के घोड़बंदर रोड पर स्थित ओबला परिसर में अश्वजीत गायकवाड़ ने अपनी ही प्रेमिका प्रिया सिंह को कार से टक्कर मारी। इस घटना में प्रिया सिंह को गंभीर रूप से चेहरे और शरीर के कुछ अन्य जगहों पर गंभीर चोटें आई हैं। प्रिया का आरोप है कि अश्वजीत गायकवाड़ ने अपने दोस्तों से सलाह ली थी। फिलहाल प्रिया का इलाज नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि प्रिया सिंह घोड़बंदर में रहती हैं और प्रिया उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की हैं। अपने घर में वो अकेले कमाने वाली हैं। अश्वजीत गायकवाड़ ने सोमवार सुबह करीब 4:30 बजे के आसपास प्रिया को अपने कार रेंज रोवर डिफेंडर से थाने के घोड़बंदर रोड पर स्थित ओवला परिसर में पहले प्रिया से मारपीट की और उसके हाथों को गंभीर रूप से चोट पहुंचाया। उसके बाद अपने कार से प्रिया को टक्कर मारकर घायल कर दिया। प्रिया ने बताया कि अश्वजीत गायकवाड़ ने और उसके दोस्तों ने मेरी जो हालत की है उसके बाद कासर उडौली पुलिस स्टेशन में मैंने जो FIR दर्ज करवाया था उसे मैं वापस लेने के लिए लगातार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं अश्वजीत गायकवाड़ के दोनों ही दोस्त अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं और मुझे धमका रहे हैं पुलिस स्टेशन में दर्ज जो FIR है उसे वापस लेने के लिए। आप खुद सुने प्रिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है। और कौन वो शख्स था? मेरा नाम प्रिया सिंह है और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसका जो कल्प्रिट है वो मेरा बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़ उसका फ्रेंड रोमिल पाटिल और उसका ड्राइवर सो कॉल्ड फ्रेंड सावन शेट के। तो इन लोगों ने मुझे गाड़ी से एक्सीडेंट इंटेंशनली किया है प्लस बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे मारा है, उसके दोस्त ने भी मुझे असॉल्ट किया है, बहुत गाली गलौज की है और मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा गला वगैरह भी दबाया, पकड़ा मुझे, मारा पीटा, ये सारी चीज़ें हुई है। और मेरा अभी कंडीशन आई एम सफरिंग फ्रॉम मेरा राइट वाला जो पैर है उसमें रॉड डाला है, उसके 3 बोन्स ब्रेक है और मेरी लेफ्ट साइड से शोल्डर से लेकर के हिप तक की बॉडी आई एम नॉट एबल टू मूव। मुझे बहुत ही डीप चोटें लगी है स्पाइन में और स्टमक में, एवरीवेयर आई एम नॉट एबल टू मूव एनी पार्ट ऑफ माई बॉडी। अच्छा, तो जिसने आपको आपके साथ किया उसका नाम क्या और कौन है वो? अश्वजीत गायकवाड़ मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ 4.5 साल से रिलेशनशिप में थी और उसका दोस्त था रोमिल पाटिल, उसकी वजह से उसने गाली गलौज करना शुरू किया। मैं उसको मिलने गई थी रात को मेरे बॉयफ्रेंड को, काफ़ी टाइम से हमारी अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, बात नहीं हो रही थी, तो आई वॉज मिसिंग हिम। फ़ोन पर बात करके मैं उसको मिलने गई थी और फिर उसके दोस्त लोग आ गए मुझसे लड़ाई झगड़ा करने में, उसको मुझसे मिलने नहीं दे रहे थे। दीज ऑल थिंग्स हैपेंड एंड मेरा जो बॉयफ्रेंड था मैं उसके साथ इतने सालों से थी और उसकी शादी हो रखी थी, उसने मुझसे छुपाया था दैट ही इज़ मैरिड और मुझे काफ़ी टाइम बाद मालूम पड़ा अबाउट हिज मैरिज। तो उसने मुझे बोला कि मेरा डिवोर्स हो गया है, मैं सेपरेट हूँ एंड आई एम गोइंग टू मैरी यू ओनली, उसने मुझे प्रॉमिस किया है। आई हैव सो मैनी प्रूफ, उसने मेरी फैमिली मेम्बर्स में भी प्रॉमिस किया है। नोबडी नोज अबाउट हिज मैरिज बिकॉज वो मुझे ओपनली मेरे साथ ओपनली रहता था और मुझे कभी इनसिक्योर फील नहीं कराया उसने। उसने मुझे बोला उसके घर में सबको पता है मेरे बारे में और हम लोग ओपनली सबको पता था हमारे रिलेशनशिप के बारे में। और उसने मुझे झूठ बोला उस दिन जब मैं उसको मिलने गई थी रात को, तो मैंने उसको उसकी वाइफ के साथ देख लिया, तो आई बिलीव कि उसने वो उससे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, मैंने कोई तमाशा नहीं क्रिएट किया, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहती थी बिकॉज आई वॉज हर्ट, बट उसने मेरे को देख के स्ट्रेंज बिहेव किया। सो ये सारी चीज़ें वो रीज़न से ही हुई है और उसने मेरे को मारा पीटा सब कुछ किया, मेरा फ़ोन बैग सब कुछ उसकी गाड़ी में था। वो लोग गाड़ी से भाग रहे थे, पहले एक गाड़ी भागी फिर दूसरी गाड़ी भागने लगी जिसमें वो और उसके ड्राइवर वो बैठे थे डिफेंडर। तो मैं अपना पर्स लेने के लिए और फ़ोन लेने के लिए गाड़ी को नॉक करने गई आगे, उसने मुझे उड़ा दिया। उसके बाद वो लोग
आगे जाके रुके 10 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड उन लोग रुके मुझे देखने के लिए कि मैं गिरी हूँ, लाइव हूँ या नो, आई डोंट नो व्हाट, बट वो लोग देखे मुझे गिरे. मैं वहाँ पे रोड पे पड़ी थी आधे घंटे तक, आई वॉज लेफ्ट ऑन रोड. वो लोग सब छोड़ के मुझे चले गए. अच्छा, तो आपको यहाँ पे किसने पहुँचाया फिर? फिर वहाँ पर रास्ते पे, मैं एक तो सर्विस रोड पे थी और वहाँ पर कोई था नहीं, ट्रक वर्क वाले थे. आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज मैं पार्टी के क्लोथ्स में थी. एंड फिर वहाँ पर एक लड़का आया स्कूटी पे, मैंने उसको हेल्प बोला, तो ऑब्वियसली एक्सीडेंटल केस था तो कोई टच नहीं कर रहा था मुझे, बट ही दैट गाय वो बोला मैम क्या हुआ, डोंट वरी आई हेल्प यू. फिर मैंने उसको बताया मेरे बॉयफ्रेंड ने ये सब किया ऐसे वैसे, तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया, बट ये प्रोसेस होने में आधा घंटा 40 मिनट लगा. तो आपने अपने पोस्ट में लिखा है कि कुछ लोग लगातार आपके ऊपर दबाव बना रहे कि लगातार हॉस्पिटल भी आ रहे, तो कौन लोग? उसके फ्रेंड्स हैं जो आकर के बोल रहे हैं कि ये सब करके कुछ मतलब नहीं है, हॉस्पिटल का जो भी खर्चा है वो सब भाई देख लेगा, हम लोग कर लेंगे, और ये सब करके मतलब नहीं है, यू नो हाउ वेल कनेक्टेड ही इज, और सट्टा जिसके हाथ में रहती है ऐसे बुलशिट बातें कर रहे हैं, कुछ भी होगा नहीं इसमें, कुछ प्रूव नहीं होगा, ऐसे करके मेरे घर वालों को वो लोग थ्रेट या आई डोंट नो क्या अंडरस्टैंड करने करवाने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा, तो पुलिस वालों ने कोई सुरक्षा देने? चार दिन से मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद मैंने FIR दर्ज की थी, बट देर वॉज नो एक्शन बाय पुलिस. इवन जो मैंने FIR दी थी, जो मैं अभी बोल रही हूँ, मेरे FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा है पुलिस वालों ने, कम्प्लीटली चेंज FIR की गई थी. मैंने 2 घंटे एक्सप्लेन करके उनको बताया था, कट टू क्लियर जो भी मेरे साथ हुआ था. पुलिस वाले ने बोला डोंट वरी, आपका पैर टूटा है वो आपको सपोर्ट करेंगे वो, बट मेरी FIR चेंज थी. 4 दिन मैंने वेट किया पुलिस वालों का, कोई नहीं आया. आज 5वां दिन है फ्राइडे, मैंने वेट किया, कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई किसी ने मेरा हालचाल नहीं लिया, कुछ नहीं. फिर मैंने कल सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, बिकॉज मैं जब भी पुलिस वाले को कॉल करती वो बोलती है अरे जो आपका केस देख रहे हैं ही इज नॉट इन द सिटी, वो बाहर है, वो किसी और केस में नागपुर गए, ये वो डिले कर रहे थे. फिर मैं इवन मैंने मेरे बॉयफ्रेंड का भी वेट किया, बिकॉज इट वॉज फॉर 4.5 ईयर्स रिलेशनशिप एंड आई वॉज मैडली इन लव विथ हिम. मैंने वेट किया अगर वो आकर के मुझसे बात करेगा ना, मे बी मैं सब भूल जाऊंगी. उसको अगर रियलाइज और गिल्टी होगा ना, तो शायद मेरे को ये सब करने की जरूरत, और मैं अभी भी नहीं चाहती, बिकॉज इवन माई नेम इज गेटिंग स्पॉइल्ड, आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट दिस ड्रामा और एनीथिंग, बट मैं जो सफर कर रही हूँ ये मैं डिजर्व नहीं करती हूँ. और मैं नहीं चाहती, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे लोगों को पता नहीं चल पाता, बिकॉज जस्ट बिकॉज ये बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हैं, इनके बहुत वेल कनेक्टेड है, दिस इज नॉट राइट. आई स्पेंड माई लाइफ विद हिम लाइक मोर देन 4-5 ईयर्स. तो अब तक पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा आपको? आज जब मैंने मीडिया सब मेरे पास आने लगी बैक टू बैक, तब जाकर के पुलिस वाले, आज जो बड़े पुलिस वाले थे SP DSP जो भी थे, वो लोग आए थे एंड दे टोल्ड मी नॉट टू वरी, दे विल गिव मी सपोर्ट. एंड आज जाके मैंने उनको बोला मेरा रीस्टेटमेंट लो, बिकॉज वो पहले वाले स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं गुनाह दाखिल किया. मैं चाहती हूँ 307 और 376 डालना चाहती हूँ, बिकॉज ये एग्जैक्टली हुआ है मेरे साथ. मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले सफर करूं, उसका दोस्त और वो दोनों बिल्कुल ही ओपनली छाती ठोक के दे आर आउट, एंड आई डोंट वांट टू बी हैप्पी. आई मीन आई डोंट वांट टू सी देम हैप्पी, बिकॉज आई एम सफरिंग अलोन, आई एम द अर्निंग मेंबर इन माय फैमिली, आई डोंट नो आई एम गोना बी ओके और नॉट. सो मैं जस्टिस चाहती हूँ. मैं मेरे को बहुत ट्रोल भी कर रहे हैं लोग, उल्टी सुलटी बातें सोशल मीडिया पे भी, मुझे बहुत मेंटली इफेक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है. But I just believe कि there are good people also in this world, and I believe in justice. Let's see what happens. Okay.